आज हम पढ़ेंगे कि CHN का नेक्स्ट टॉपिक कि जो नर्स होता है, नर्स का फुल फॉर्म क्या है, मतलब जो नर्स का वर्ड है NURSE उसका मतलब क्या है, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नर्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नर्स का फुल फॉर्म है N से नोबिलिटी, उसके साथ ही साथ कई जगह नॉलेज भी बोलते हैं, देन यू से यूजफुलनेस, आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एस से सिंप्लिसिटी, एंड ई से एफिशिएंसी। ओके, तो ये है नर्स का फुल फॉर्म, एंड इसका मतलब होता है एन से नोबिलिटी या फिर नॉलेज का मतलब है कि नर्स जो होती हैं उनमें ये नोबिलिटी होनी चाहिए या फिर इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो अपने पेशेंट्स को या फिर जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाएँ, और साथ ही साथ इतना एक वो जो भावना होती है दिल के अंदर कि हाँ हमें किसी के लिए करना है, जो सेल्फलेसनेस होता है, यहाँ आप सिंप्लिसिटी के साथ साथ सेल्फलेसनेस भी लिख सकते हैं। सेल्फलेसनेस मतलब जो अपने आप को पहले ना रख के दूसरों के हेल्थ के बारे में सोचे, दूसरों का स्वास्थ्य अच्छा रखने में ज़्यादा ध्यान दे, उस चीज़ को हम नोबिलिटी बोलते हैं। उसके बाद यूज़फुलनेस में क्या है कि नर्स जो होती है उनका एक ये मतलब उनका एक उनके अंदर एक भावना होनी चाहिए कि जितना भी वो काम करे वो प्रॉपर तरीके से काम करे, और जो नर्स होती हैं वो अपनी सारी नॉलेज यूज़ करके एंड देन उसके बाद प्रॉपर एक ट्रीटमेंट जो होता है वो अपने पेशेंट को, क्लाइंट को प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सेस का ये बहुत मेन रोल है कि उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, हर एक काम को ध्यान से करना चाहिए ताकि कोई और गलती ना हो। जैसे नॉर्मली हम दवाइयाँ देते हैं, मेडिसिंस देते हैं जब, तो कौन सी मेडिसिन कब देनी चाहिए, कब नहीं देनी चाहिए, किसके साथ देनी चाहिए, या फिर कौन से दो ड्रग्स ऐसे होते हैं जो साथ में नहीं देने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नर्सेस को पता होना चाहिए, जिससे क्या होगा आगे जाके गलती नहीं होगी या फिर पेशेंट पे कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आ पाएगी, मुसीबत नहीं आएगी। ओके, तो नर्सेस जो हैं, आर क्या है नर्सेस में, आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सेस को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए हर एक चीज़ के लिए। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी एंड सेल्फलेसनेस। सिंप्लिसिटी में क्या है, नर्सेस शुड नर्सेस को क्या सिंपल रहना चाहिए, जिससे कि जैसे क्या होता है हॉस्पिटल में जब काम करते हैं तो नर्सेस ही वो मेन इंसान होते हैं हॉस्पिटल के, जो कि पेशेंट्स के साथ ज़्यादातर रहते हैं। तो ऐसे में अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा दुखी है और नर्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट मेकअप वगैरह लगा के या फिर बहुत सज धज के वहाँ खड़े हैं, एक तो वो डिग्निटी नहीं मेंटेन हो पाती है। वहाँ पे क्या होता है, नर्सेस को सिंपल रहना चाहिए। सिंपल रहने से क्या होता है कि आप दूसरों के साथ अपने आप को जोड़ने में ज़्यादा ईजी हो जाता है। अगर मेकअप कोई कर भी रहा है तो लाइट मेकअप करें या फिर नहीं करें, नेल्स वगैरह पे मतलब नेल्स वगैरह अच्छे से कट रहना चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सिंप्लिसिटी के तरफ ही, या फिर आप बात भी ऐसे करें कि आप बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से बात करें, उससे क्या होगा जो भी पेशेंट हैं या फिर जो उनके अटेंडर्स हैं वो आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगे, और वो जो एक झगड़ा वाला माहौल होता है वो वहाँ बनने से रह जाएगा, मतलब वो थोड़ा आपके साथ कनेक्ट इजीली हो पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस हमने जैसे बात किया पहले कि नर्सेस को अपने से पहले अपने पेशेंट के लिए सोचना चाहिए कि हाँ मेरे पेशेंट के हेल्थ के लिए क्या सही होगा और क्या गलत होगा, उसके अकॉर्डिंग ही उनको सारे काम करने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है यहाँ पे कि बहुत स्पीड के साथ काम करना, ऐसा नहीं है नर्सेस को मतलब एक एफिशिएंट होना चाहिए काम करने में, अच्छे से काम करो, और ऐसा नहीं है कि एक काम को करने में आप पूरा दिन लगा रहे हैं,
हर एक काम, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिली है, एक एफिशिएंसी से काम करना, एक लगातार में काम करना, ताकि आपके पेशेंट जो हैं, आपके क्लाइंट्स जो हैं, उनकी हेल्थ, उनका जो स्वास्थ्य है वो दांव पे ना लगे, उनका स्वास्थ्य सही रहे, उसके लिए आपको क्या एफिशिएंसी से काम करना पड़ता है। ओके, तो ये था नर्स का फुल फॉर्म। नॉर्मली इसको हम रोल ऑफ नर्स में भी काउंट कर लेते हैं, और वैसे ये फुल फॉर्म ऑफ नर्स है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, एन से नोबिलिटी या फिर नॉलेज होता है, यू से यूजफुलनेस होता है, आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एस से सिंप्लिसिटी या फिर सेल्फलेसनेस होता है, और ई से एफिशिएंसी होती है। ओके, तो ये था अभी का टॉपिक, इस सेशन का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।